नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजी महाराजा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिवांगी कुलश्रेष्ठ। आज हम बात करेंगे विजयदशमी यानी दशहरा के पर्व की, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। ये त्योहार पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम जानेंगे दशहरा की महत्ता, उसके धार्मिक और सांस्कृतिक पहलुओं को और कैसे इस पर्व के माध्यम से हमें जीवन में सकारात्मकता का संदेश मिलता है। दशहरा, जिसे विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है, रामायण की उस कथा से जुड़ा है जब भगवान राम ने रावण का वध करके बुराई पर जीत प्राप्त की थी। ये पर्व इस बात का प्रतीक है कि चाहे कितनी भी कठिनाई हो, अंत में जीत सच्चाई और अच्छाई की ही होती है। हमारे समाज में इस दिन रावण दहन करके बुराई के विनाश का उत्सव मनाया जाता है। दशहरा केवल एक धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी इसका बड़ा महत्व है। देश के अलग अलग हिस्सों में इसे अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। उत्तर भारत में रामलीला का आयोजन किया जाता है, तो वहीं दक्षिण भारत में देवी दुर्गा की पूजा की जाती है। इस पर्व का संदेश है हमें अपने भीतर की बुराई का नाश करना और अच्छाई के मार्ग पर चलना। आज के समय में भी दशहरा हमें एक महत्वपूर्ण सीख देता है कि हमें अपने भीतर के रावण का सामना करना चाहिए, चाहे वे हमारे गलत विचार हों या हमारी नकारात्मकताएं। इस पर्व के माध्यम से हमें अपने जीवन में नैतिकता और सच्चाई के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। इस विजयदशमी पर आइए हम सब एक संकल्प लेते हैं कि हम बुराइयों का त्याग करेंगे और अच्छाइयों के मार्ग पर चलेंगे। भगवान श्री राम की कृपा सभी पर बनी रहे और इस दशहरा आपके जीवन की हर बुराई का नाश हो, इसी मंगल कामना के साथ डीजी महाराजा न्यूज परिवार की ओर से आपको और आपके परिवार को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं।